दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के साथ हुए दुष्कर्म के लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी डॉक्टर बेटी के दरिंदों को सजा नहीं मिली। आज भी डॉक्टर बिटिया को न्याय नहीं मिल पाया। आज भी उस डॉक्टर बिटिया की आत्मा भटक रही है। कभी उसकी पैरों के पायल की आहट हाई कोर्ट के जज को सुनाई देती है, तो कभी कोर्ट में मौजूद और लोगों को। दोस्तों, आपने इंसानों द्वारा किए जाने वाले जुर्म के बारे में तो बहुत कुछ सुना और देखा होगा, लेकिन यदि भूत प्रेत व आत्माएं भी जुर्म करने लग जाएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? जहां से कानून के रास्ते खुलते हैं, जहां से कानून को लेकर फैसले सुनाए जाते हैं, कम से कम उन कानून की किताबों में तो भूत प्रेत जैसी मान्यताओं के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। पर आश्चर्य है कि वहां भी भूत प्रेत अपना कब्जा जमा चुके हैं। दोस्तों, कोलकाता से इस वक्त एक डरा देने वाली खबर आ रही है। आज हम इन्हीं भूत प्रेतों के द्वारा किए जाने वाले क्राइम की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज की इस चकाचौंध वाली दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, आप सभी से एक निवेदन है। अगर आप भी कोलकाता डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहते हैं, तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें, ताकि इस वीडियो को देखने वाले ये समझ सकें कि आज भी हम डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए खड़े हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको कोलकाता डॉक्टर बिटिया से जुड़ी नए अपडेट के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको ये डरा देने वाली कहानी सुनाएंगे। यकीन मानिए, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, अगर आपने डॉक्टर बिटिया के साथ हुए अत्याचारों को देख लिया, तो आपके आंखों से आंसू जरूर निकल आएंगे। इसलिए कमजोर दिल वाले अभी इस वीडियो को यही छोड़ सकते हैं। हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए जिसने हजारों लोगों की जान बचाई, उस मासूम सी गुड़िया के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। 8 अगस्त से अब तक क्या कुछ हुआ, सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस केस को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी के लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी हमारी डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल सका। लोगों को अगर किसी से न्याय की उम्मीद थी, तो वो थी सीबीआई। लेकिन अब सीबीआई भी शक के दायरे में आ गई है। सीबीआई पर भी आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से सीबीआई इस केस की जांच में लगातार देरी कर रही है, उससे इस केस को दबाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस को दबा दिया गया, उसी तरीके से यह केस भी मोटी मोटी फाइलों के नीचे दब जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को अभी भी कानून से न्याय की उम्मीद है, तो वहीं कुछ लोगों ने न्याय की उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन जो आज भी डॉक्टर बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। क्योंकि अगर आपने चुप्पी साध ली होती, तो ये केस कब का दब गया होता। मगर धन्य है वो लोग जो डॉक्टर बेटी के न्याय के लिए भूखे प्यासे सड़कों पर लड़ते रहे, और 3 महीने बाद भी वह अपने फैसले पर अड़े हैं कि उन्हें हर हाल में न्याय चाहिए। लेकिन ना ही इनका दर्द ममता सरकार समझ रही है, और ना ही कानून। आखिर कब तक इस देश की बेटियों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा? आखिर कब तक इस तरह की घटना से लोगों का हंसता खेलता परिवार उजड़ता रहेगा? क्या इसके खिलाफ कोई और कानून बनना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल, अपने अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें? दोस्तों, इस केस में कब डॉक्टर बेटी के दरिंदों को सजा होगी, उसे जानने से पहले आपको इस और मर्डर केस को विस्तार से समझना होगा, तभी आप इस केस को अच्छे से समझ पाएंगे। 8 अगस्त से अब तक क्या कुछ हुआ, सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। 8 अगस्त की रात 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई थी, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जूनियर डॉक्टर के साथ 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मृतका मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी। जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी। रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला।
सुबह मेडिकल कॉलेज में चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्ध नग्न अवस्था में शव मिला। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट के निशान थे। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर के परिजनों को आत्महत्या की सूचना दी। डॉक्टर का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा तो उनके पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने और दोषी को मौत की सजा दिलाने की बात कही। एसआईटी ने रात को अस्पताल में तैनात एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। आरोपी ब्लूटूथ हेडफोन के टूटे तार से पकड़ा गया था, जो पुलिस को सेमिनार कक्ष में गिरा मिला था। इसी के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर पाया कि वह पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:03 पर वहां से निकला। इसके बाद वह दोबारा सुबह 3:50 पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब 4:30 पर वहां से निकला। इसके बाद रॉय साल्ट लेक स्थित बैरक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में महिलाएं सड़कों पर उतर गईं और जमकर प्रदर्शन किया। रात बढ़ने के साथ ही सड़कें वी वांट जस्टिस के नारों से गूंज उठीं। प्रदर्शनकारियों में हर एक इलाके से छात्राएं, पेशेवर, गृहिणियां सहित हर वर्ग की महिलाएं एक साथ मार्च कर रही थीं। महिलाओं के इस प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के झंडों पर प्रतिबंध था, लेकिन LGBTQ समूह शामिल थे। महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और पुलिस की आरजी कर मेडिकल कॉलेज में झड़प हो गई। यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ कर दी। हालात बेकाबू होता देख सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद हॉस्पिटल स्टॉप और वहां के डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि इस घटना में कोलकाता पुलिस का भी हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस और आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने मिलकर कई अहम सबूतों को नष्ट कर दिया, ताकि इस केस का असली दोषी पकड़ा ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था वो एक अकेले व्यक्ति संजय रॉय के बस की बात नहीं थी। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद कोर्ट ने इस मामले को CBI को सौंप दिया। CBI जांच के बाद आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ CBI को कई सबूत मिले। कोलकाता पुलिस के SHO अभिजीत मंडल की भी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल को निलंबित कर दिया गया। आरजी कर अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार प्रिंसिपल संदीप घोष का एक एक कारनामा सामने आ रहा है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वारदात के एक दिन बाद तोड़े गए इस बाथरूम से CBI को कौन सा सबूत मिला है? इस टूटे हुए बाथरूम से जिस नए कातिल की पहचान हुई है वह कौन है? जांच के दौरान पाया गया कि पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने 10 अगस्त को अपराध स्थल के पास एक टॉयलेट और शौचालय को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। दो डॉक्टर आए थे और एक डॉक्टर उसी सुबह उसी बाथरूम में नहाने पहुंचा, जिस सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर चीख चीख कर तड़प तड़प कर मर गई। उसी बाथरूम में उस ट्रेनी डॉक्टर को नहाने की क्या जरूरत थी? घटना के बाद उस बाथरूम को तोड़ दिया गया। संदीप घोष पर आरोप लगे हैं कि उसने सबूतों को मिटाने की साजिश रची। उसने घटना के 24 घंटे बाद सारे सबूत मिटाने के लिए रिनोवेशन का काम करवाने की बात कही और फिर उसे तुड़वा दिया, और तो और उस बाथरूम को भी तुड़वा दिया, जहां पर अब यह बात सामने आ रही है कि वहां एक डॉक्टर नहाने पहुंचा था। अब शक है कि वह डॉक्टर भी इस घटना में शामिल था। संदीप घोष के कनेक्शन बड़े लोगों के साथ थे, पार्टियों को फंडिंग देता था, और यही वजह है कि घटना के सामने आने के बावजूद संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उनसे इस्तीफा मांगा गया। यहां तक कि उनके खिलाफ एक्शन को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। हद तो तब हो गई जब संदीप घोष ने इस्तीफा दिया भी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया
और तो और संदीप घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। सीधे शब्दों में कहे तो डिमोशन या पनिशमेंट की जगह संदीप घोष का प्रमोशन कर दिया गया। लेकिन क्या यह संभव है कि एक संस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति यह सब कुछ कर रहा हो और किसी को भनक ना लगे, खास करके राज्य की एजेंसियों को? कोलकाता कांड ने जो आग पश्चिम बंगाल में लगाई है वह बुझने का नाम नहीं ले रही है। जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, वह अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं और मामले में जिस तरह से जांच एजेंसियां एक्टिव हुई है, जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन और हड़ताल तक तो ठीक था, शायद धीरे धीरे यह मामला शांत भी हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, सीबीआई और ईडी ने जो मामले में एक्शन लिया है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और कोलकाता के विशेष अदालत ने आरोपियों को लेकर जो कहा है उससे तो यह पक्का है कि डॉक्टर बेटी के दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी होगी। डॉक्टर बिटिया से जुड़ी नए अपडेट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कोलकाता कांड ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालत खराब कर दी है। पहले ही कोलकाता कांड ने उनके रातों की नींद को हराम कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर जिस तरह से डॉक्टरों का गुस्सा फूटा है उससे एक बार फिर टीएमसी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इतना ही नहीं, मामले में जिस तरह के खुलासे लगातार सीबीआई कर रही है उससे कई टीएमसी के नेता दहशत में हैं। इन सब के बीच इस कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय जब भी पेशी के लिए कोर्ट में आता है तो कोई ना कोई ऐसा खुलासा कर देता है कि हड़कंप मचना तय है। संजय रॉय अब चीख चीख कर बोल रहा है कि ममता सरकार उसे फंसा रही है, वह निर्दोष है, जिससे अब कोर्ट भी एक्शन में आ गई है। कोलकाता कांड ने तो ममता बनर्जी की कुर्सी भी इस बार दांव पर लगा दी। चारों तरफ से परेशान ममता बनर्जी और आरजी कर मामले में हो रहे बड़े खुलासे पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। अब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के गुनाहों का पूरा चिट्ठा तैयार है। सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग समेत कई आरोप चार्जशीट में लगाए हैं। इतना ही नहीं, अब तो डॉक्टरों का गुस्सा भी एक बार फिर से फूट पड़ा है। दरअसल राज्य सरकार ने अब तक जूनियर डॉक्टरों की मांग को पूरा नहीं किया, इसलिए जूनियर डॉक्टर्स ने फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। भले भी आज तक कोलकाता डॉक्टर बिटिया को न्याय नहीं मिल पाया है, लेकिन जिस तरह से आज भी लोग डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कोर्ट और सीबीआई को भी डर है कि अगर डॉक्टर बिटिया को न्याय जल्द से जल्द नहीं मिला तो ये मामला और भी बढ़ जाएगा। इसलिए कोर्ट भी अब पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। अब हो सकता है जल्द ही हमारी डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल जाए। चलिए अब उस दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी पर आते हैं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांपने वाली है। दरअसल दोस्तों, ये घटना कोलकाता हाई कोर्ट की है जिसमें डॉक्टर बिटिया का केस अभी भी सुलझ नहीं पाया, अभी भी उसे इस कोर्ट से न्याय नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि इसी हाई कोर्ट के दो वकील मनमोहन घोषाल और वजहरी, जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे, रात के 8 बज रहे थे और सारे कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके थे। मनमोहन और वजहरी भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी मनमोहन को प्यास लग जाती है और उसे टॉयलेट भी जाना था। वजहरी मनमोहन को टॉयलेट में जाने से मना कर देते हैं और पास वाले जज साहब का टॉयलेट यूज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि कर्मचारियों के लिए जो टॉयलेट था वह थोड़ी दूरी पर रूम नंबर 11 के पास था और उसको लेकर कोर्ट में अफवाह था कि यहां एक बिना सर वाली भूत रहती है। लेकिन मनमोहन वजहरी की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और रूम नंबर 11 के पास स्थित टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। गली में थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर मनमोहन को पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है। अब मनमोहन को एहसास होता है कि उसका इस टॉयलेट में जाने का फैसला सही नहीं था। उसे अपने दोस्त वजहरी की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन वह मन ही मन सोचते हैं वह कायर नहीं है और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है लेकिन मनमोहन टॉयलेट से वापस नहीं लौटते हैं, जिसके बाद वजहरी को संदेह होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर मनमोहन को इतना समय क्यों लग रहा है? वजहरी भी अपनी टॉर्च लेकर टॉयलेट की तरफ अपने सहयोगी मनमोहन को ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे ही वजहरी अपनी कदम गली में रखते हैं,
उसकी नजर फर्श पर औंधे मुंह पड़े मनमोहन पर पड़ता है। मनमोहन के पास बैठी एक महिला उनके चेहरे पर पानी छिड़क रही थी और उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी। वजहरी को लगता है यह कोर्ट की ही कोई महिला कर्मचारी होगी जो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दौड़कर गिरते पड़ते वापस भागते हैं। दरअसल उस महिला के सिर ही नहीं थे और उसने पैर में पाजेब पहने थे, लेकिन जैसे ही वह बिना सिर वाली महिला वहां से गायब होती है, वजहरी अपने सहयोगी मनमोहन के पास दौड़ते हैं, उसे हिलाकर वापस होश में लाते हैं और जैसे तैसे वहां से तेजी से भागते हैं और कोर्ट के बाहर आकर ही दम लेते हैं। अब वजहरी के दिमाग में वह सारी बातें चलने लगती हैं जो कोर्ट में अफवाह फैला था। क्या वह महिला वहीं भूत थी? वह इस कोर्ट में ही क्यों रहती है? आखिर वह बिना सिर वाली महिला कौन थी? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, कोलकाता के एक कस्बे में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम निस्तार था और वह बेहद ही सुंदर थी। निस्तार को एक शालिकराम नाम के एक बिजनेसमैन से प्यार हो जाता है। शालिकराम एक अच्छे परिवार का संपन्न आदमी था। निस्तार और शालिकराम शादी करना चाहते थे, इसलिए निस्तार अदालत से अपील करती है कि अदालत के रजिस्टर में उसके नाम के आगे से प्रोस्टिट्यूट शब्द हटा दिया जाए। दरअसल कोठे पर छापे के दौरान जो लड़कियां या औरतें पकड़ी जाती हैं, उन्हें कानूनी तौर पर पेशेवर यौन कर्मी करार दे दिया जाता है और सरकारी रजिस्टर में उसके नाम के आगे प्रोस्टिट्यूट शब्द लगा दिया जाता है। यह एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है जिससे वह इस काम के लिए आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड हो जाती है। निस्तार अपने इस धंधे से बाहर निकलना चाहती थी और शालिकराम से शादी करके खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन यह तब तक संभव नहीं था जब तक सरकारी रजिस्टर से कानूनी तौर पर उसके नाम के आगे से प्रोस्टिट्यूट शब्द हट ना जाए, ताकि भविष्य में उन्हें या उनके बच्चों को इससे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अदालत वहां के कुछ रईस और अमीर लोगों के दबाव में निस्तार की अर्जी खारिज कर देती है। निस्तार के और भी कई पुराने अमीर ग्राहक और कोठे के मालिक भी इसका विरोध करते हैं। चूंकि निस्तार काफी सुंदर थी, इसलिए कोठे का मालिक इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। यहां तक कि झूठे केस में फंसाकर शालिकराम को जेल में डाल देते हैं। निस्तार अपनी नई जिंदगी की उम्मीद खो चुकी थी। समय बीतता जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक लाश मिलता है जो लगभग सड़ चुकी थी। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कई दिन पहले मार दिया गया हो। लाश की शिनाख्त होती है तो पता चलता है यह वही औरत है निस्तार जो अपने प्रेमी शालिकराम से शादी करना चाहती थी। उसके शरीर पर पायल के अलावा कुछ भी नहीं था जो वह पहनती थी। निस्तार का अदालत से शराफत की जिंदगी की मांग इस पुरुष प्रधान समाज को कभी स्वीकार नहीं होता है और निस्तार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तब से लोगों के द्वारा यह दावा किया जाता रहा है कि न्याय की भीख मांगती हुई निस्तार आज भी इस अदालत की गलियारों में घूमती रहती है। मनमोहन और वजहरी अकेले कर्मचारी नहीं थे जिन्होंने पायल की आवाज सुनी हो या अदालत परिसर में बिना सिर वाली महिला को देखा हो। कई अन्य लोग भी इस रहस्यमयी औरत की उपस्थिति से रूबरू हुए थे। यह इस बात की याद दिलाता है कि कैसे समाज ने अपनी सामूहिक शक्ति में एक युवा महिला को अपना जीवन जीने का मौका देने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि निस्तार की इसी कोलकाता अदालत से न्याय न मिलने पर बेचैनी की भावना और अन्यायग्रस्त आत्मा इस अदालत में विचरण करते रहती है। लोगों के द्वारा किए जाने वाले दावे में कुछ और लोगों की आत्माएं इस कोर्ट में आए दिन लोगों को देखने को मिलती हैं, जिससे उनकी रूह कांप जाती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कोर्ट या हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो थोड़े से सतर्क रहा करो। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पे लोग मरते हैं। कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों को मौत का फरमान दिया जाता है और मरने के बाद उसकी आत्माएं भटकती हैं, तो इस चीज से सतर्क रहिए। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।